अरे यार, इसलिए मुंबई में अगर ट्रिप पे जा रहे हो ना तो सुबह 5 बजे निकल जाना चाहिए, वरना बाद में ये दिक्कत हो जाती है। वैसे तो हम लोग आज सुबह जल्दी ही निकले थे, बट फिर मेरे कपड़ों के साथ एक दिक्कत हो गई, तो इसीलिए हमें वापस घर पे जाना पड़ा। फिर मैंने कपड़े चेंज किए और सब यही चक्कर में हम लोग वो ट्रैफिक में फंस गए। एनीवेज, फिलहाल अभी हम लोग भिवंडी वाले रूट पे। वैसे तो मालसेज घाट जाने के लिए 2 रूट है, एक है भिवंडी कल्याण वाला जिसपे हम है और दूसरा है बदलापुर होते हुए, और किलोमीटर दोनों का फिलहाल तो सेम ही है। आई थिंक कुछ 137 किलोमीटर है दोनों ही रूट। आफ्टर राइडिंग फॉर क्वाइट ए वाइल वी हैव एंटर्ड मालसेज रीजन, और हाँ मैं आपको बता दूं कि मालसेज सिर्फ एक घाट का नाम नहीं है, मालसेज एक बहुत बड़ा रीजन है। इसमें गांव भी आते हैं, वाटरफॉल्स आते हैं, लेक, माउंटेन, रिवर, इन सबको मिला के बनता है मालसेज। बारिश की वजह से आज टूरिस्ट भी कम आए, बट हमारे लिए अच्छा है। और ये हम कोहरई में, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि व्यू पॉइंट आके गया है नहीं, बस हर जगह फॉग ही फॉग दिख रहा है। ओके, सो ये है पहला व्यू पॉइंट, बट इसके तो हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अभी का सीन ये है कि हर व्यू पॉइंट पे सिर्फ फॉग ही है, व्यू तो कहीं से दिख नहीं रहा है, तो अभी हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो अभी हमें कैंपिंग के लिए कोई लोकेशन तो देखनी पड़ेगी। सही है यार, कमाल की लेक है। यहाँ पे जाने का रास्ता कहाँ से है? यहाँ पे जाते हैं, तो जब फॉग ने हमारा पूरा मजा किरकिरा कर दिया था, तब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, या तो हम रिटर्न घर पे चले जाए, या फिर हम थोड़ा स्ट्रगल करें, थोड़ा रिसर्च करें और कोई जगह ढूंढ लें। और फाइनली हमें ये ब्यूटीफुल सी जगह मिल चुकी है। एक मिनट आपको पूरा 360 दिखाता हूँ। ये रही हमारी बाइक, और इसी के सामने है पूरा माउंटेन व्यू, साथ में वाटरफॉल और ये ब्यूटीफुल सा लेक व्यू। बहुत सही जगह है यार। और धीरे धीरे अभी वहाँ से बादल भी हट रहे हैं। एक मिनट आपको 2x जूम करके दिखाता हूँ। छोटा मोटा पेंगोंग लेक लग रहा है एक तरीके से ये। और फिलहाल ये जो जगह है इसका नाम है पिंपली पाड़ा। अभी आई डोंट नो मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ या नहीं, बट मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका जो भी नाम है। और हम लोग यहाँ पे बस घूम रहे थे, तब अचानक से हमारी नज़र यहाँ पे पड़ गई। एंड ये जगह मालसेज घाट व्यू पॉइंट से आई थिंक कुछ 2 या फिर 3 किलोमीटर दूर रहेगा। टेंट एंड ट्रैप बहुत रेडी। और भाई इसको खड़ा करने में ना भाई हालत टाइट हो गई थी एकदम, इतनी तेज हवा चल रही थी, 3 बार तो ये उड़ के चले गया था, 4थी बार में ये फिट हुआ है। एंड वैसे मैं काफ़ी टाइम लग गया सेटअप करने में, हम लोग यहाँ पे अराउंड कुछ 3 घंटे पहले आ गए थे, 3 घंटे में हमने ये सेटअप बनाया है। तो अभी तो फिलहाल हमारा मेहनत वाला सभी काम हो चुका है, बस अभी टेंट के अंदर सामान डालना है और टेंट को अंदर से रेडी करना है। एंड बाद में इस लेक में हम नहाएंगे और उसके बाद हम पकाएंगे खाना। सो अभी का तो यही प्लान है, तो पहले टेंट को अंदर से रेडी करते और फिर नहाते।
हाँ तो अभी फिलहाल हमारा नहा के हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ पे सामने व्यू का मजा ले रहे हैं और अभी हम लोग पकाएंगे खाना। और खाने में हम लोग पहले लंच से शुरुआत करें, इसलिए लंच में हम लोग सबसे पहले लेंगे फ्रेंच फ्राइज। और अगर हमें भूख ज़्यादा लग गई तो हमारे पास रामेन भी है तो वो भी बना लेंगे। तो पहले फ्रेंच फ्राइज बना लेते हैं। सम चिपोटले मेयो एंड लास्टली लिटिल चीज सॉस। तो देखने में उतने टेस्टी नहीं दिख रहे बट स्टिल इट्स गुड। अब मैगडी ऐसे तो नहीं है बट कम से कम खाने लायक तो है। और इसे पकाने में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया बिकॉज हवा बहुत तेज़ चल रही थी और इसीलिए हमारा गैस भी नहीं चल रहा था उसी वजह से। तो फिर हम लोग ने इसको टेंट के अंदर जाके बनाया था। फिलहाल इससे तो हमारा कुछ नहीं होगा तो इसीलिए हम लोग ने एक रामेन का पैकेट भी साथ में रखा है तो ये खाने के बाद वो बनाना पड़ेगा हमें। कैंपिंग चल रही है कि कुकिंग शो चल रहा है? ओके सो गाइस, 11 PM एंड इट्स ऑलरेडी क्वाइट लेट। कुछ 8 बजे हम लोग ने बारबेक्यू वगैरह कर लिया था एंड उसके बाद से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो मैं अपना कैमरा या फिर फ़ोन गीला होने का रिस्क नहीं ले सकता था। एंड अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो टेंट हमारा बंद हो गया, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है यहाँ पर। तो अभी का प्लान कुछ हमारा फ़िलहाल तो अभी हम लोग सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया है तो 6 बजे सुबह उठ के हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड पैक वगैरह करते करते हमें शायद से निकलते निकलते 8 बज जाएंगे। सो या सी यू गाइस इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। So it's 7 AM in the morning. Our plan was to wake up at 6 AM but still it's not that late. And yesterday night was pretty challenging, man. The heavy gust of wind was shaking up our whole tent. But still had a quite good sleep. I would say that it was one of the best sleep I ever had after a long time. And weather app maybe a bit continuous 24 hours. रेनफॉल दिखा दिए एंड स्टिल रेनिंग आउटसाइड। सो नाउ लेट्स गेट द किचन गोइंग। उसके बाद सब सामान पैक करके हम आई थिंक 9 बजे तक तो निकल ही जाएंगे होपफुली। ओके सो इन ब्रेकफास्ट वी आर हैविंग पैनकेक्स विथ नटेला एंड फ्रूट्स एंड अरे कॉफ़ी भूल गया मैं, पहले कॉफ़ी बनानी पड़ेगी।
सो हियर इज आवर ब्लैक कॉफी एंड सबसे पहले टेस्ट करते हैं। और फिलहाल ये मैं पहली बार है जब मैं पैनकेक ट्राई कर रहा हूँ, मतलब बाहर दुकानों मैंने ट्राई किया है बट कभी खुद से बना के ट्राई नहीं किया। पहली बाइट में सब आना चाहिए, फ्रूट्स, चॉकलेट, नॉट सो बैड। गर्म होता ना और भी अच्छा लगता था बट वीडियो बनाने के चक्कर में ठंडा हो गया। मशील टेस्ट इज गुड फॉलोड बाय विद अ ब्लैक कॉफी सिप। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है तो फिलहाल अभी हमारे पास ज़्यादा काम तो बचा नहीं है, सिर्फ टेंट के अंदर का जो सामान है वो हमें पैक करना है और बाहर का जो सामान तो ऑलरेडी आवेश फलान ने पैक कर दिया। Okay, so that's it for the video guys. I hope you enjoyed this video as much as we do. And do subscribe to the channel because there will be more camping videos in the future. And yeah, that's it. See you till the next time. Bye bye. Take care and peace.